क्या कर रही है तू ये? तुमने तो वादा किया था पढ़ाई करेगी, पतंगे नहीं उड़ाएगी, अब बोल बोल। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले अभी निकली या पहले निकली क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने टाइम की कोई कीमत नहीं है ना, पर मन्ने पता है टाइम की कीमत क्या होती है। मन्ने जिंदगी ने एक ही चीज सिखाई है कि जो वक्त की कदर नहीं करता ना, वक्त उसकी कदर भी नहीं पूछता। गरीब आदमी के पास कोई भी हक नहीं है बर्बाद करने को कुछ भी, चाहे वो वक्त ही क्यों ना हो, समझी? तारे पास 2100 रुपए है, ये शाम तक निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा ऐसे निकल जाएंगे। पर इसको कमाने की खातिर मैंने रात रात भर अपने आप को आग में झोंका है, भट्टी की आग में। ये छल्ले देख रही मारे हाथों में, ये मोर है मेरे शरीर पे, ये मोर है मेरी अनपढ़ता पे कि मैं गवार हूं, समझी? पर गवार आदमी ही हमेशा मजदूरी करता है, तो पढ़ा लिखा उसे मजदूरी कराता है। और मैं कभी नहीं चाहता कि तेरे हाथ में भी ऐसे छल्ले पड़े, इसलिए तुमने पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए पढ़ना पड़ेगा तुमने। वो दोस्ती है ना तेरी पतंगों से, क्या सीखी तुमने इससे? क्या सीखिया तुमने तेरे दोस्त से? एक बात याद रखना तू, कागज जो होता है ना, कागज वो अपनी किस्मत से उड़ता है, पर पतंग जो होती है ना काबिलियत से उड़ती है, समझी? किस्मत साथ दे ना दे, पर काबिलियत साथ हमेशा देती है, और काबिलियत मिलती है पढ़ाई करने से, ये पतंगे उड़ाने से नहीं होती। कर लूंगा अपने आप। ना बाबा मैं कर देती बस, कुछ नहीं सुनना अब, छोड़ दे। अभी पंडित जी के साथ दुलारी जी आती होंगी, बात थारा कोई काम नहीं से। सकल भी नहीं देखना चाहता मैं तेरी अब, घुमाते थे, पर अब तो ये सपना कभी पूरा ना हो पाएगा ना। आपको ये सारे सपने अच्छे ना लगते ना, इनकी वजह से मैं पढ़ती ना, आपको डांट पड़ती है, बातें सुननी पड़ती। मैं अपने सारे सपने अपनी सारी दोस्त पटूड़ियों को चलता देख सकती, पर आप क्या आंसू आपकी आंखों में तकलीफ नहीं देख सकती। आई एम सॉरी बाबा, आई एम गुड गर्ल, नाना गलत बोल गई,
am a good girl. I will study very hard. दिमाग ठीक से खा रहा? तूने मारी जिज्जी की कुर्ती चलाई है? रुक अभी बता दो तने। तो क्या बताएगा? अब तो मैं तने बताती हूँ। तुम दोनों के दांत तोड़ दूँगी, ठीक है? सुन लो, पहले तो बात बोल रहे थे ना, अब डर गए ना? मारूंगी इससे। ताऊजी, ताऊजी, ताऊजी यो देखो, दुर्गा ने मारी नई कुर्ती चला दी। सत्यानाश। कौन सा नया तमस्या है? शांति से बैठ नहीं सकती है तू? हर टाइम कोई ना कोई हंगामा मचाती रहती है। मैं कह रहा था ना, दुर्गा पक्का किसी मुसीबत में होगी। दिमाग खराब हो गया इसका ताऊ जी। हमको के बोल के गई थी कि पीछे वाले कमरे में जाके मैं पढ़ूंगी, लेकिन मां चुपचाप आके खेल खेलती थी। आग के साथ क्या कर रही थी? पतंगे जला रही थी। और के भाई साहब माफ करना, पर थोड़ी गलती ना आपकी भी से। मैंने आपको बोला था इसे मारे साथ भेजो भिवानी, पर आपने ना मारी एक ना सुनी। तो देख लिया है कितना मन लागे सा इसका पढ़ाई में। इसके चक्कर में अमृता की शादी आगे खिसकाने की सोचे था तू? सब समझ आ गया भाई साहब। इस छोरी के खातिर अगर आप शादी की तारीख टालोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी का ख्याल ही टालना पड़ जाए आपको। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलो जी। मारी कुर्ती का के उसको क्या दुर्गा बना के देगी दोबारा से? इतने मन से ली थी मैंने, अभी तो मन की पूरी भी ना हुई थी और इसने जला डाली उसे। बस कर शिल्पा, बस कर ना। आप तो बस हमेशा दुर्गा की साइड लेने की। कुर्ती तो जाली है, है? अलमारी तो भरी रखी है ना तेरी। बच्चे जी आपस में बस। अरे भगली, ये छोटी छोटी बातों में रोते थोड़ी हैं। अब पुरानी कुर्ती जली है तो क्या हुआ, इसी बहाने नहीं आ जाएगी? नहीं जी। एक काम करो। नहीं जी, कोई बात नहीं बाबूजी, आखिर मेरा भी तो हक बनता है कि नहीं। ए ना ना बेटा, ओ जमाई सुधार के थारे से पीछे पैसे ले लेंगे ना। ना, 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 ना। दादी जी, बाबूजी ने अभी मेरे को बेटा कहा है, मैं अब इस घर का पहले बेटा हूँ और फिर दामाद। और आपको तो पता ही है मेरी कोई बहन नहीं है, अब यही है जो है सब। पकड़ो रखो, नई कुर्ती लेके आने। माय गॉड, थैंक यू जीजा जी। चलने दो, ये बच्चों को तो सही लग गया है। बाबूजी दुर्गा भी छोटी है, गलतियां हो जाती हैं, प्लीज उससे नाराज मत होइएगा, वो दोबारा गलती नहीं करेगी, है ना? आज जो कुछ हुआ ना फिर नहीं होना चाहिए। और अब पढ़ाई से जी चुराते देख लिया ना मैंने, तो ठीक नहीं होगा।
और कोई बहाना भी नहीं सुनना चाहता मैं कि तेरी दीदी की शादी के पास तेरे पेपर है और फेल हो गई ना इस बार, तो तैयार रहना अपनी बुआ जी के साथ भिवानी जाने के लिए। और एक बात और, अब से थारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। इसलिए इब से तू अमृता की शादी की तैयारियों से दूर रहेगी। इब के ढंग से पढ़ लिए छोरी, पढ़ाई की एबीसी ना आती मन्ने, पर रोटी मन्ने भी खाई से, इतना तो मन्ने भी समझ आवे से कि बगैर पढ़े कोई पास ना हो सके। इब के नाक रख ली अपने बाबा की। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।